अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है स्मार रन और आप देख रहे हो स्मार रन व्लॉग। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ जी आसिफ भाई की तरफ। हमारे आए हैं पीर साहब, जिन उनको मिलने जा रहे हैं हम। वो आए हैं रेंजर हेडक्वार्टर के पास ना, तो आप उधर जा रहे हैं, मैं उधर जा रहा हूँ अकेले ही हूँ। तो मैं उधर जा रहा हूँ आसिफ भाई की तरफ, उनके तरफ से जाना हमने कादिम रिसालत भाई की तरफ, जहाँ पर पीर साहब हमारे आए हैं। तो फिर मेरे साथ रहना व्लॉग के, तो फिर चलते हैं फिर उधर ही। तो गाइस, मैं आसिफ भाई की तरफ पहुंच गया, अब दरवाज़ा नॉक करते हैं, फिर आसिफ भाई को बुलाते हैं, क्योंकि उनको नहीं मैंने बताया कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उनको यही पता है कि मैं किसी वजह से ना मैं आ नहीं सका। तो फिर चलता हूँ, फिर अंदर ही नॉक करते हैं, अगर आ गए तो मेरे ख्याल से आसिफ भाई होंगे उधर ही रिसालत भाई की तरफ। तो फिर चलते हैं अंदर, पूछते हैं, नॉक करते हैं दरवाज़ा। आ ही नहीं रहा। आ जा भाई। ओ भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब? मिलकर तो आज बिल्कुल ठाक हो गए यार भाई, सरप्राइज ही दे दिया आपने यार। बस वैसे ही मैं गर्दी बोर ही होड़ता, उन्होंने आना तो था ही, क्योंकि पीर साहब आए तो बाकी मैंने कहा चलो सरप्राइज ही हो जाएगा, बताया इसलिए नहीं था मैंने। मैंने कहा चलो साथ साथ लोग शूट करते हैं। अच्छा, मैं भाई को कॉल भी कर रहा था कि 5 बजे ना शाम को, तो कह रहे थे हाँ देखूंगा, तो मुझे लग रहा था नहीं आएंगे, लेकिन सरप्राइज देने की तो आदत है। फिर तो आ जाओ कदीर भाई, यार कढ़ाई बनाने गए हुए आपके लिए। मेरे लिए अभी भी तो फिर चलते अंदर ही। तो फिर जब भाई यार मैंने ना आज रखा हुआ था रोका, तो मुझे भूख बहुत शदीद की लगी हुई है। मैं घर गया हूँ, मैंने जब इफ्तारी की है, मैंने सिर्फ खजूर खाई है, पानी पिया और एक सेब का पीस खाया बस। क्या बोला तूने? तो इस टाइम भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। हाँ बस, तो क्या खिला रहे हो? तो बस मामा का मिल लो, फिर चलते हैं बाहर ही। तो फिर चलते हैं फिर अंदर, क्योंकि आते साथ मैंने बुटीक डाली, मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं करना, आज पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर चलते हैं अंदर जाके मिलते हैं, तो फिर बाहर जाएंगे ऐसे ही नहीं, पहले जाएंगे हम पीर साहब को। पहले पीर साहब को मिलेंगे, क्योंकि फिर वो बैठ जाते हैं मंजिल पे। तो फिर चलते हैं पहले अंदर मिल के, फिर उधर चलते हैं। तो गाइस, मैं इधर आ गया हूँ, अंदर बैठ गए, सबसे मिल लिया, अब वो सारे चले गए हैं जी पीर साहब के पास। तो फिर हम इधर अकेले ही हैं, अभी हम भी जाएंगे, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि ना के सारे मिलने, फिर हम जाएंगे। तो हमारे साथ ही रहना। ये हमारे सुंडी भाई, इनको आपने देखा होगा। ये एक मिनट इधर आओ यार, अब्दुल्ला नाम है इनका। ये देखे मेरे सामने कितना बड़ा लग रहा है, माशाल्लाह इतनी बड़ी इसकी छाती है, इतनी बड़ी। ये तो फिर सीधा डीएसपी लगेगा। आपने उस्मान भाई के कल वाले व्लॉग में देखी होगी? नहीं यार, वो काजिम भाई ना थोड़ा सा बोला ही कुछ नहीं। वो मैंने फिर काजिम भाई को लंगर इकट्ठा कर रहे थे कल के व्लॉग में। तो गाइज, कल थी शबे मेराज की रात और आज था रोजा, ठीक है। और आज मैंने अपलोड किया है, मतलब के आपके सामने, आपके लिए वो है कल। कल मैंने अपलोड किया था वो शबे मेराज का, हम शाहजमाल गए थे, बाबा शाहजमाल। और ये आज का व्लॉग है, ये रोजे वाला, वो हम अपलोड करेंगे वो आज। वो भी आज है, वो भी आज है। कहने का मतलब कि हम ऐसे करते हैं ना सुबह व्लॉग, मेरा मतलब कि आज हमने व्लॉग बनाया ना, तो हम कल अपलोड करेंगे। हाँ, और आप उसे देखोगे कल। कल मतलब कि हमारे प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर हमने देख लिया, और अभी हमने अपना पास्ट नहीं देखा। वाह यार, आप तो हमारे से भी फास्ट चला। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का ये। तो फिर ऐसे ही लाइक कमेंट और शेयर जरूर करा करें, सब्सक्राइब घंटी को भी दबाएं। हाँ, नोटिफिकेशन के लिए कि मैं कोई भी अपलोड करूं वीडियो तो आप तक पहुंचे बर वक्त। मतलब क्या होता है?
बर वक्त मेरा मतलब जैसे ही अपलोड करे टक घंटी बजे टन, अगर आप ये यूआरवी के हाँ वाईफाई या डाटा ऑन है तो आपको दस्ती पहुंच जाएगी। तो बाकी ये चीज चेक करें यार, क्या चीज है यार ये, स्माइल ही नहीं मान बच्चा बटन खोली जा रहा है छाती दिखाने के लिए। सिक्स पैक्स दिखा दे, सिक्स पैक्स हो जाए दिखा दे यार, सिक्स पैक्स हो जाए इस साइड पे हो गए कॉपीराइट आ ओ ये क्या है ओ माँ क्या सी भाई ओ माँ का टूटूला तो गाइस ओ माशाल्लाह एक मिनट आज करें खोली शर्ट खोली यार मेरे हाथ से भी छोटा है यार तू, ये देखे ना करी अच्छा मेरे हाथ ने पूरी वीडियो में लग गया। अच्छा वैसे आपकी सेहत है हाँ। नहीं यार मानने में नहीं आती गाइस इस बच्चे को ना बार बार शर्ट खोल रहा है अपनी, तो मैं इस बच्चे को एक ही चीज कह रहा हूँ बार बार के यार शर्ट पहन ले, बिल्ली वगैरह आई तो हमने नहीं बचाना, खत्म हो जाना। हमारे साथ कदीर भाई भी आ गए यार गाइस, कमेंट बॉक्स में बताएं सलाम दुआ कि नहीं करनी यार। वालेकुम उस्मान सलाम दा जवाब उस्मान भाई, भाई जान पहली दफा आए हैं मेरे घर व्लॉग बनाने, लाते हुए वैसे तो आते रहते हैं, और आज हमारे पीर साहब भी आए हुए हैं, तो उस्मान भाई काफी देर से आए थे, मैं जरा काम गया हुआ था भाई तो अभी आया हूँ भाई। मेरे लोग भाई चैनल भाई चल रहा है, गरीबा कौन पूछता है क्या, नहीं सी भाई असि भाई आप ऐसे बैठे जैसे बेडरूम में बैठे हुए। बेडरूम में बैठे। अच्छा बेडरूम का क्यों कह रहे हो, गेस्ट रूम में तो इधर ऐसी चोट में बैठते ऊपर से अपना हो तो फिर तो किलर के तो इधर वैसे भी कोई आएगा नहीं हाँ। इधर बेशक आप समझ रहे हो, गाना लगा लो मजबूती देगा या ना देगा आए 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 मजा ही आ रहा, क्या आ गया मजा ही आ रहा। भाई अब हम जा रहे हैं जी पीर साहब को मिलने, और सीफ भाई कदीर भाई किसी टेंशन में लग कुछ तो हुआ दे लेना। तो गाइज हम माशाल्लाह पीर साहब को अपने मिल के आ चुके हैं, तो बाकी ना गाइज बात पहले क्या होती है कि अपने पीरों से मिलकर ना दिल ही खुशी होती है, जैसे दरबारों में आप जाते हैं आपको खुशी होती है, वो भी खुदा के नेक बंदे हैं अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, लेकिन ये देखें वो दुनिया से पर्दा फरमा गए, जो आपके सामने है आपके पीर की शक्ल में, तो आप उन्हें मिले यकीन करें ऐसी रूह ताज़ा होती है, मज़ा आ जाता है, मतलब कि ज़िंदगी ना जीने का मज़ा आता है, सुकून बहुत है, टेंशन फ्री हो जाता है बंदा उनसे अपने दुख खोल के खोल के। तो गाइस अभी हम उधर से पीर साहब की तरफ से आए हैं, और सीफ भाई कह रहे हैं चलाओ आप बोतल पीने चले, तो फिर हम जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं क्या बोतल छोटल, खाली बोतल ही पिलाओगे यार लेना। तो गाइस आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, आपने मेरे व्लॉग में वेफर्स वाले व्लॉग में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज़रूर जाके देना। मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ जिसके बारे में कदीर भाई ने बहुत दफ़ा जिक्र किया था वो वेफल्स वाली ब्लॉग में, तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। तो गाइज ये है जी वो आइसक्रीम जिसके बारे में कदीर भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आर्गुमेंट कर रहे थे कि भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट, आओ मेरे तायाबू के पास आपको टेस्ट बताऊँगा, आपको टेस्ट वाकई किसे कहते हैं आइसक्रीम का, माशाल्लाह टेस्ट वाकई बहुत ही उम्दा किस्म का इनका टेस्ट है। बाकी ये कदीर भाई के घर के बिल्कुल पास ही है, ये कदीर भाई का घर है, ये कदीर भाई का घर है, और यहाँ से तकरीबन 3 या 2 या 3 दुकानें आगे है, 1-2 दुकानें आगे। तो फिर आप चलते हैं सीधा बोतल पीने, बोतल पीते हैं फिर आपको बताते हैं आगे क्या प्लान है। प्लान तो मेरे ख्याल से यही होगा कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और हम घर चले जाएंगे,
तो अब चलते हैं उधर ही। गाइस हम इधर पहुंच गए जिधर कदीर सिंह भाई हमारे लेके आए हैं। तो सिंह भाई कहते हैं यार यहाँ से बोतल वगैरह पीते हैं, साथ में सिंह भाई पल्लू भी कर रहे हो यार। कसीर भाई ने साथ इन्होंने वो पैकेट वगैरह भी थे वो भी रखे हैं, तो फिर वो भाई ने ऑर्डर दिया तो वो गर्म हो रहे हैं, तो गर्म हो गया तो फिर आपको मिलते हैं। यार आपके कैमरे में प्यारा कितना सही कह रहा है, ये तो जमीन बना लगा तस्वीर की खींची है ऊपर से। तो गाइस ये देखें बोतल भी आ गई, ये पैटिस भी आ गया, बर्गर टाइप भी बना हुआ, ये चिकन पैटिस तो बाकी सही पर इसका ये भी बहुत माशाल्लाह टेस्टी है। गाइस इसको अब ख़त्म करके आपको मिलते हैं बाकी, क्योंकि ये ठंडा हो गया इसका मज़ा नहीं आना ऐसे ही है। तो जिधर जाएंगे आपको ये भी बताएंगे कि हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोई प्लानिंग नहीं है, तो जहाँ भी जाएंगे आपको ज़रूर बताएंगे, तो आपको ज़रूर बताएंगे। गाइस हमने वो खा लिया बोतल और पैटिस, तो अब सीधा जा रहे हैं हम घर की तरफ, साथ रहना वो लोग के, तो फिर चले। तो गाइस अब टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया और मैं जा रहा था घर, असीब भाई भी इधर ही हैं, असीब भाई कहते हैं आज नहीं मैंने जाना, मैं इंशाल्लाह कल आऊँगा। बाकी वीडियो को एंड भी यहीं पे करते हैं, क्योंकि बोतल भी पी, खाना भी खा लिया है, वो पैटिस था वो भी खाया, इतनी चीज़ें खाई है, खाना भी अभी अभी खाया, तो मैंने कहा 12 बज गए पूरे, तो घर की तरफ जा रहा था, तो ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।